हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। वैसे ये क्लासेस डेली आती है, रेगुलर अगर आप देखेंगे तो वोकैब में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज की इस क्लास को एंड तक देखना, इंपॉर्टेंट है, अच्छी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है रिवाइज वर्ड। आपने सुना होगा रिवाइज को कि कल एग्ज़ाम है, सब कुछ रिवाइज़ कर लो। तो रिवाइज़ मतलब किसी चीज़ को याद करना होता है। एंड अनदर मतलब रिवाइज़ का, जब हम वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, रिवाइज़ का मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन करना, बदलाव करना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टर करना भी कहते हैं, या तो चेंज भी कहते हैं, जिसको हम परिवर्तन भी कहते हैं, या तो बदलाव भी कहते हैं, और हम इसको याद करना भी कहते हैं, दोहराना भी कहते हैं। तो रिवाइज वर्ड के इतने सारे मतलब हैं, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, करेक्शन करना, अमेंडमेंट करना, ऑल्टर करना, चेंज करना, रिमेंबर करना, ठीक है, ये सारे हम रिवाइज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है रिकूप। रिकूप का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना, जैसे कि आप कहते हैं ना कि किसी चीज़ की रिकवरी कर लेना, उसको रीगेन कर लेना, तो वो रिकूप कहलाता है। कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब होता है रीगेन या तो रिकवर करना, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनः प्राप्त करना, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई करना होता है किसी भी चीज़ को पैसिफाई करना, अपीस करना, या जिसको हम शांत करना कहते हैं, या कोई डिलाइटफुल चीज़ें हो, जो पसंद की चीज़ें हो, ठीक है, मनोहर टाइप की हो, उसको भी कहते हैं। तो ग्रेटिफाई को हम कहते हैं अपीस, या तो पैसिफाई, या तो डिलाइट भी बोलते हैं, मतलब जो चीज़ें शांत करना भी आप बोल सकते हो, या जो चीज़ें आपको अच्छा लगे, पसंद हो, उसको भी कह सकते हो। मतलब जैसे कि आप इसको इस वे में ले सकते हो कि कोई भी चीज़ जो आप परेशान हो और आपके लिए अच्छी लगे, आप शांत हो जाए, उसको हम कह सकते हैं। यानी अपीज, प्रेसिफाई या डिलाइट एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है पेंचेंट। पेंचेंट वर्ड इसका मतलब होता है चाह, इच्छा या रुचि, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉन्डनेस कहते हैं, या तो लाइकिंग कहते हैं, ठीक है, या तो डिज़ायर भी कह सकते हैं। पेंचेंट का मतलब होता है चाह, इच्छा, या तो रुचि, ठीक है, किसी भी चीज़ की चाह करना, उसकी इच्छा करना, उस चीज़ को पसंद करना पेंचेंट कहलाता है। नेक्स्ट है एपोजी। एपोजी का मतलब होता है शिखर पर, जो चीज़ें टॉप पर हो, क्लाइमेक्स पर हो, या तो जिसको हम जेनिथ भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है टॉप, क्लाइमेक्स, समिट, या तो जिसको हम जेनिथ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम सबसे ऊंचा बोलते हैं, या जो चीज़ें शिखर पर हो वो होती है। तो ये पांच वर्ड, सबसे पहले रिवाइज हमने पढ़ा, जिसको हम बदलाव करना कहते हैं, परिवर्तन करना। नेक्स्ट है रिकूप, मतलब किसी चीज़ को दोबारा से प्राप्त कर लेना। थर्ड है ग्रेटिफाई, मतलब किसी भी चीज़ को शांत करना, अच्छा लगाना, ठीक है। नेक्स्ट है पेंचेंट, जिसको हम बोलते हैं पसंद, चाह, इच्छा या रुचि। नेक्स्ट है एपोजी, जिसको हम बोलते हैं सबसे ऊँचे पर जो चीज़ हो, टॉप मोस्ट पर हो, या तो शिखर पर हो। अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्लिब। ग्लिब वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो, स्लिपरी हो, यानी जो चीज़ें बिल्कुल मुलायम, फिसलनदार हो, वो ग्लिब कहलाती है। कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब स्मूथ एंड सिल्की होता है, जिसको हम चिकना कहते हैं, या तो फिसलनदार कहते हैं, ठीक है। ग्लिब वर्ड का मतलब ही होता है स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, इस टाइप का, ठीक है, मुलायम सा हो, चिकना सा हो, फिसलनदार हो, वो होता है। नेक्स्ट है डड। डड वर्ड का मतलब व्यर्थ, बेकार, या जिसको हम बोल सकते हैं असफलता भी बोलते हैं, फेलियर बोल सकते हैं, फियास्को बोल सकते हैं। डड का मतलब होता है फेलियर, फियास्को, जिसको व्यर्थ तो कहते ही हैं, इसके अलावा असफलता भी कहते हैं। फेलियर आपने सुना ही होगा, एग्ज़ाम में पास या फेलियर, ये दो होते हैं, या तो सफल में सफलता होती है, तो असफलता होती है। फियास्को मतलब ग्रेट फेलियर होती है, बहुत भारी असफलता होता है। तो डड का मतलब सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिप्लीट। डिप्लीट मतलब ख़त्म होना होता है, एग्जॉस्ट होना, एम्प्टी होना, ये सब हम डिप्लीट के एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं। तो डिप्लीट का मतलब है एग्जॉस्ट या तो एम्प्टी, जिसको हम खाली या ख़त्म होना कहते हैं। नेक्स्ट है बल्क।
इस वर्ड का मतलब होता है रोकना, हिंडर करना, प्रिवेंट करना, जैसे होता है ना किसी चीज़ को काम करने से आप किसी को रोकती हो, ठीक है, हिंडर, प्रिवेंट, ऑब्स्ट्रक्ट करना, ये सब किसी चीज़ को रोकने के लिए यूज़ होता है। तो इस वर्ड का बार्क का मतलब भी होता है प्रिवेंट या तो हिंडर, जिसको हम रोकना कहते हैं। एज एन एंटोनिम अगर आपसे आए पूछ लिए कि इसका उल्टा क्या होगा, तो किसी को परमिट करना, किसी को अलाउ करना, यानी किसी को आज्ञा दे देना, अनुमति दे देना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रेवेंट या हिंडर। नेक्स्ट है कैलिबेट। कैलिबेट वर्ड का मतलब होता है अनमैरिड, जिसको हम अविवाहित कहते हैं, जैसे होता है ना कि अनमैरिड है, बैचलर है, तो वही इसका मतलब है। इसका मतलब होता है अनमैरिड या तो बैचलर, अविवाहित जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स, फिर नेक्स्ट वर्ड जो है वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है समानता या बिल्कुल जो चीज़ें लगातार हो, कंसिस्टेंसी, जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में करिए, कंसिस्टेंसी हो, रेगुलरिटी हो, यूनिफॉर्मिटी एज अ सिनोनिम हम लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक बिल्कुल लगातार या बिल्कुल समानता के साथ में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलरिटी कहते हैं, या तो आप कंसिस्टेंसी कहते हैं, जिसको लगातार कहते हैं, बिना रुके कहते हैं, या तो समानता भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैस्टिकेट। मैस्टिकेट मतलब चबाना होता है, जैसे आप खाना खाते हैं तो उसको चबाते हैं, तो उसको मैस्टिकेट करना कहते हैं। इंग्लिश में अगर एज अ सिनोनिम आपको लिखना पड़े तो च्यू या मंच कह सकते हैं, मैस्टिकेट के सिनोनिम में आप च्यू कह सकते हैं, च्यू मतलब भी चबाना है, मंच मतलब भी चबाना है। नेक्स्ट है कॉन्साइज। कॉन्साइज जैसे आप बोलते हो ना कि इतना लंबा चौड़ा मुझे मत बताओ, मुझे शॉर्ट फॉर्म में बता दो, तो कॉन्साइज का मतलब भी शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी किसी भी चीज़ का संक्षिप्त रूप, ठीक है। कॉन्साइज मतलब जिसको हम इजी वे में बोले तो ब्रीफ बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रीफली एक्सप्लेन करो, ठीक है, या तो आप शॉर्ट इन कह सकते हैं, शॉर्ट इन फॉर्म कह सकते हैं, संक्षिप्त कहते हैं। नेक्स्ट है इनफर्नल। इनफर्नल मतलब नरकीय जिसको बोलते हैं, हेलिश बोल सकते हो, डेवलिश बोल सकते हो, मॉन्स्ट्रस बोल सकते हो, जो चीज़ें नरकीय टाइप की हो। एक होता है ना कि अच्छा जैसे मतलब नरक, स्वर्ग, ये सब आपने सुना होगा ना, तो नरकीय मतलब इनफर्नल कहलाता है, जिसको हेलिश कह सकते हैं या तो आप डेवलिश कह सकते हैं और हिंदी में नरकीय कह सकते हैं, जैसे होता है ना हेवन, हेल, उस टाइप से, ठीक है। ऑफ्यूस्केट। ऑफ्यूस्केट करना, किसी को भी घबरा देना, कंफ्यूज कर देना, कंफाउंड कर देना, ठीक है, स्टुपिफाई कर देना, हम क्या कहते हैं ऑफ्यूस्केट को, कंफ्यूज करना या तो कंफाउंड करना, जिसको हम कहते हैं घबरा देना। जैसे आपने बोला होगा कि जो भी बोलना है जल्दी जल्दी बोलो, सीधे सीधे बोलो, कंफ्यूज मत करो, ठीक है, तो वही कंफ्यूजन हम ऑफ्यूस्केट भी कह सकते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस कभी भी है, इसका मतलब विलीफाई करना होता है, जिसको हम कहते हैं ना किसी को बदनाम करना, धोखा देना, या उसको हम कलंकित करना, तो ट्रेड्यूस कहलाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को विलीफाई करना, या तो आप कह सकते हो किसी को भी धोखा देना, बिट्रे भी कह सकते हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं धोखा देना, किसी को बदनाम करना। नेक्स्ट है मफल। मफल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मुलायम करना, सॉफ्टन करना, डैम्पन करना, यानी जैसे होता है ना कि कोई चीज़ कड़ी है उसको भिंगो रहे हो तो उसको मुलायम कर रहे हो, किसी भी चीज़ को मुलायम करना, सॉफ्टन करना कहलाता है, साथ ही में मफल भी कहलाता है, हिंदी में आप इसको डैम्पन भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सॉरी, जिसको कहते हैं मुलायम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब होता है फूटना या तोड़ना या टूटना, जिसको डिसइंटीग्रेट करना कह सकते हैं, ब्रेक होना कह सकते हैं, ठीक है, जिसको ऐसा होता है डिसरप्ट मतलब ब्रेक कह सकते हैं, डिसइंटीग्रेट करना कह सकते हैं, जिसको कहते हैं तोड़ना या तो फोड़ना या तो टूटना, इतने सारे तरीके से कह सकते हो। नेक्स्ट है स्लॉपी। स्लॉपी हम बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते, केयरलेस मतलब लापरवाह, स्लॉपी का भी सेम मतलब है, लापरवाह को बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको केयरलेस बोलते हैं, या तो आप हीडलेस बोल लो, मतलब क्या होगा लापरवाह, अपोजिट पूछ ले तो आप अटेंटिव कह सकते हो, केयरफुल कह सकते हो, कॉशियस कह सकते हो, चैरी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मास्टरपीस। मास्टरपीस ऐसा ग्रेट वर्क, ऐसा अद्भुत या ऐसा कार्य जो बहुत अच्छा हो, कोई मॉडल, कोई एग्जांपल बन जाए, उदाहरण बन जाए, कोई ऐसा ग्रेट वर्क हो, मास्टरपीस कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ताजमहल है, एक ऐसा मास्टरपीस है जैसे उसके जैसा कोई नहीं बन पाया, तो इसको आप कोई भी ग्रेट वर्क कह सकते हो,
कोई भी ऐसा उदाहरण हो गया, कोई भी मॉडल हो गया, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं बहुत अच्छा काम, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।